क्या कह रहे हैं, यदि चमेली के पास उसके धन का 75% खर्च कर दिया। अब देखो 75% खर्च कर दिया तो कितने परसेंट बचा, 100%, क्योंकि हमेशा 100% एकदम सही होता है। तो क्या लिखेंगे, चमेली ने खर्च किया 75%। अब उसके पास शेष रुपए, शेष धन बचा, कितना बच गया, 100 - 75 बराबर कितना आ गया, 25% आ गया। देखो अपने को इतना पता है 25% है। अब ये क्या है, खर्च करने के बाद परसेंट में तो शेष कितना बच गया, 25%, पर लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बच रहा है, 600 रुपए बच रहे हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, क्या करोगे, माना चमेली के पास कितना धन था, मतलब चमेली के पास धन कितना मान लोगे, ₹100। पर्सनल अनुसार जो अपने ने पिछला क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसका, एक्स का, मेरे पास कितना परसेंट बचा है। अगर ये पूछता कितना खर्च कर दिया तो कितना ज्यादा 75% के अकॉर्डिंग निकल जाता। पर इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास बच्चे हैं, कितने रुपए बचे हैं, 600 रुपए बचे हैं। अगर यहाँ पे बोल देता 75% मैंने खर्च किया, यानी रुपए में मैंने 600 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे पास मतलब कि कितने रुपए हैं या कुछ इस प्रकार से, तो अपने क्या करते, 75 लेते। पर इन्होंने क्या बोल दिया कि 75% मैंने खर्च किए, पर जितने रुपए बचे मेरे पास यहाँ पे कितने बच रहे हैं, 600 रुपए, परसेंट में कितने बच रहे हैं, 25%, कितने में से बच रहे हैं वो निकाल रहे हैं। तो क्या करोगे, एक्स का 25% बटे में बराबर में कितना, 600, जितने ही है, यानी एक्स का 25% जैसे निकालेंगे जितने रुपए बच जाएंगे 600 के बराबर करेंगे, कट जाएगा 25 × 25, 25 × 100, एक्स इधर जाएगा, इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा 6 × 24, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 2400 रुपए। उसके पास कितने रुपए थे, 2400 रुपए। दोबारा देखते हैं क्या कह रहे हैं, कि इसने कहा चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, खर्च किसमें कर रहा है, परसेंटेज में, रुपए बता किसमें रहा है, राशि में बता रहा है कि मेरे पास कितने बचे। अब मैं आपको बताया था कि क्या जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 में से निकालते हैं, मान लो 100 रुपए थे, 100 में से मैंने 75 खर्च कर दिए, कितने बच गए, 25, यानी 100% में से 75 खर्च कर दिया तो कितने बच गए, मेरे पास कोई ना कोई 25% चीज बच रही है। पर रुपए में क्या कह रहे हैं, कितने बच रहे हैं, मैं कह रही हूँ 600 रुपए बच रहे हैं। तो आगे इसको कैसे करेंगे, अब मुझे टोटल धन निकालना है, जिस चीज को निकालना है उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लिया, एक्स को माना, अब जिसमें बचेंगे परसेंटेज में बचेंगे तो 25% एक्स का कोई परसेंट निकलेगा उसमें से बचेंगे, बराबर में क्या आपको आंसर दिया होगा कि कितने बच रहे हैं, 600 रुपए बच रही है। टोटल रुपए निकालने के लिए जो है एक्स का 25% निकाल लेंगे, जैसे निकाला 25 × 25, 25 × 100, 600 को इधर लेंगे, 600 × 4 हो गया, 6 × 4 = 2400, कितने रुपए आ गया, प्लस 2400 रुपए आ गए। ठीक है, इसी प्रकार आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न नाम लिखा वो करते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति क्या कर रहे हैं, फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, तो शेष अन्य खेल को पसंद करेंगे, कितने परसेंट रह जाएंगे। परसेंट की बात की है तो क्या करोगे, सीधा करोगे, क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, 60%, ठीक है, फुटबॉल कितना करते हैं, 30% करते हैं, तो अन्य कितने करेंगे, 60 + 30 कितना हो गया, 90, किसमें से माइनस करोगे आप, 100 में से, क्योंकि परसेंट किसके में होते हैं, 100 में से सीधा लिखोगे 100 - 60 + 30, जोड़ा 60 - 100 = 10% क्या है, अन्य पसंद करते हैं। ठीक है, एक तो आपका ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है कि शेष अन्य खेल कितने पसंद करते हैं, 10%। फिर ये कह रहे हैं यदि कुल 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने के
पचास लाख व्यक्ति है तो क्या करोगे, 50 का 60% निकालोगे वो क्रिकेट पसंद करेंगे, 50 का 30% निकालोगे तो वो फुटबॉल पसंद करेंगे, 50 का 10% निकालोगे तो क्या करेंगे आपके अन्य खेल पसंद करेंगे। तो निकालो क्रिकेट पसंद करते हैं कितने करते हैं, कितने 50 लाख का कितना निकालोगे, 60% निकालोगे, 60 बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 6 30 किसमें, लाखों में गिनती चल रही है, तो कितने 30 लाख व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं आके क्रिकेट पसंद करते हैं। फिर है फुटबॉल पसंद करते हैं, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, फुटबॉल पसंद कितने करेंगे, कितने आपके पास 30% किसका, 50 के निकालोगे क्योंकि जनता कितनी है टोटल 50 लाख है ना व्यक्ति, तो उसमें से निकालोगे 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितने बचे हैं 5 3 15 लाख बच गए, 15 लाख बच गए। अब अन्य खेल के लिए कैसे करोगे, कितने परसेंट बच्चे हैं आपके पास, अन्य 60 30 90 हो गए, 10 बच्चे हैं, 10% निकालोगे किसका, 50 का काट दो, कितने बच गए 5 लाख, इन्हें जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 50 लाख टोटल। यही बात बोले कि 50 लाख व्यक्ति है जिसमें से क्या कर रहे हैं 60% तो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 30% फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, जो अन्य है वो आपको निकालने थे। 60 और 30 90% लोगों ने पसंद कर ली अपनी अपनी गेम्स, सिर्फ 10% लोग रहे हैं जिनको अन्य खेल पसंद है, ना क्रिकेट पसंद है ना फुटबॉल, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि इनका परसेंट तो मेरे को पता है, अब इनकी संख्या में निकालना है, संख्या में निकालने के लिए क्या किया, क्रिकेट पसंद करते हैं 50 लाख का क्या किया 60% निकाल देंगे, परसेंट निकाल दे, जब भी परसेंट हटता तो बटे में 100 आता है, मतलब परसेंट जहां से हटेगा उसके बटे में 100, नीचे से हटेगा तो ऊपर 100 लग जाएगा, ठीक है। जैसे किया 50 × 60 / 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो बन गई, 5 6 30 लाख आ गया। इसी तरह 50 × 30 / 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 3 15 लाख, 50 × 10 / 100 क्योंकि अन्य खेल कितने जल्दी पसंद करते हैं 10% पसंद करते हैं, लोग निकाल रहे कितने 5 लाख। इसी प्रकार आपकी क्या होगी यहाँ पे 8.1 प्रश्नावली कंप्लीट होगी, नेक्स्ट वीडियो में अपने 8.2 करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, यदि चमेली के पास उसके धन का 75% खर्च कर दिया, अब देखो 75% खर्च कर दिया तो कितने परसेंट बचा, 100%, क्योंकि हमेशा 100% एकदम सही होता है, तो क्या लिखेंगे, चमेली ने खर्च किया 75%। अब उसके पास शेष रुपए शेष धन बचा कितना बच गया, 100 - 75 बराबर कितना आ गया, 25% आ गया। देखो अपने को इतना पता है 25% है, अब ये क्या है खर्च करने के बाद परसेंट में तो शेष कितना बच गया 25%, पर लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बच रहा है 600 रुपए बच रहे हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, क्या करोगे, माना चमेली के पास कितना धन था, मतलब चमेली के पास धन कितना मान लोगे, x रुपए। प्रश्न अनुसार जो अपने पिछला क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसका x का मेरे पास कितना परसेंट बचा है, अगर ये पूछता कितना खर्च कर दिया तो कितना ज्यादा 75% के अकॉर्डिंग निकल जाता, पर इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास बच्चे हैं कितने रुपए बची है 600 रुपए बची है, अगर यहाँ पे बोल देता 75% मैंने खर्च किया यानी रुपए में मैंने 600 रुपए खर्च कर दिए तो मेरे पास मतलब कि कितने रुपए हैं या कुछ इस प्रकार से, तो अपने क्या करते 75 लेते, पर इन्होंने क्या बोल दिया कि 75% मैंने खर्च किए पर जितने रुपए बचे मेरे पास यहाँ पे कितने बच रहे हैं 600 रुपए, परसेंट में कितने बच रहे हैं 25%, कितने में से बच रहे हैं वो निकाल रहे हैं, तो क्या करोगे एक्स का 25% बटे में बराबर में कितना 600, जितने ही है यानी एक्स का 25% जैसे निकालेंगे जितने रुपए बच जाएंगे 600 के बराबर करेंगे कट जाएगा 25 से कम 25, 25 का 100,
सो एक्स इधर ही जाएगा, किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा 6 × 24, यानी एक्स का मान कितना आ गया 2400 रुपए। उसके पास कितने रुपए थे, 2400 रुपए। दोबारा देखते हैं क्या कह रहे हैं कि इसने कहा चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, खर्च किसने कर रहा है, परसेंटेज में रुपए बता किसमें रहा है, राशि में बता रहा है कि मेरे पास कितने बचे। अब मैं आपको बताया था कि क्या जब भी परसेंटेज निकालते तो 100 में से निकालते हैं, मान लो 100 रुपए थे, 100 में से मैंने 75 खर्च कर दिए, कितने बच गए 25, यानी 100% में से मैं 75 खर्च कर रही तो कितने बच गए मेरे पास, कोई ना कोई 25% चीज बच रही है। पर रुपए में क्या कह रहे हैं, कितने बच रहे हैं, मैं कह रही हूँ 600 रुपए बच रहे हैं। तो आगे इसको कैसे करेंगे, अब मुझे टोटल धन निकालना है, जिस चीज को निकालना है उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लिया, एक्स को माना, अब जिसमें बचेंगे परसेंटेज में बचेंगे तो 25% एक्स का कोई परसेंट निकलेगा उसमें से बचेंगे, बराबर में क्या आपको आंसर दिया होगा कि कितने बच रहे हैं 600 रुपए बच रहे हैं। टोटल रुपए निकालने के लिए जो है एक्स का 25% निकाल लेंगे, जैसे निकाला 25 से कम 25, 25 चौका 100, 600 को इधर लेंगे, 600 × 4 हो गया, 6 × 4 = 2400, कितने रुपए आ गया प्लस 2400 रुपए आ गए। ठीक है, इसी प्रकार आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्नांक का वो करते हैं, आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति क्या कर रहे हैं, फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, तो शेष अन्य खेल को पसंद करेंगे, कितने परसेंट रह जाएंगे, परसेंट की बात की है तो क्या करोगे, सीधा करोगे, क्रिकेट कितने पसंद करते हैं 60%, ठीक है, फुटबॉल कितना करते हैं 30% करते हैं, तो अन्य कितने करेंगे 60 + 30 कितना हो गया 90, किसमें से माइनस करोगे आप 100 में से, क्योंकि परसेंट किसकी में होते हैं 100 में, तो सीधा लिखोगे 100 - 60 + 30, जोड़ा 60 100 - 90 = 10% क्या है अन्य पसंद करते हैं। ठीक है, एक तो आपका ये आंसर आ जाएगा क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है कि शेष अन्य खेल कितने पसंद करते हैं 10%। फिर क्या कह रहे हैं, यदि कुल 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने के लिए 50 लाख व्यक्ति है, तो क्या करोगे 50 का 60% निकालोगे वो क्रिकेट पसंद करेंगे, 50 का 30% निकालोगे तो वो फुटबॉल पसंद करेंगे, 50 का 10% निकालोगे तो क्या करेंगे आपके अन्य खेल पसंद करेंगे, तो निकालो क्रिकेट पसंद करते हैं कितने करते हैं, कितने 50 लाख का कितना निकालोगे 60% निकालोगे 60% में 100 × 1 0 = 1 0 × 1 0 5 × 6 = 30 किसमें लाखों में गिनती चल गया, तो कितने 30 लाख व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं आपके क्रिकेट पसंद करते हैं। फिर है फुटबॉल पसंद करते हैं, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, फुटबॉल पसंद कितने करेंगे, कितनी आपके पास 30% किसका 50 का निकालोगे, क्योंकि जनता कितनी है टोटल 50 लाख है ना व्यक्ति, तो उसमें से निकालोगे 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितने बचे हैं 5 × 3 = 15 लाख बच गए, 15 लाख बच गए। अब अन्य खेल के लिए कैसे करोगे, कितने परसेंट बचे हैं आपके पास अन्य, 60 और 30 90 हो गए, 10 बचे हैं, 10% निकालोगे किसका 50 का काट दो, कितने बच गए 5 लाख, इन्हें जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 50 लाख टोटल। यही बात बोल रहे हैं कि 50 लाख व्यक्ति है जिसमें से क्या करें 60% तो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 30% फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, जो अन्य है वो आपको निकालने थे, 60 और 30 90% लोगों ने पसंद कर ली अपनी अपनी गेम्स, सिर्फ 10% लोग रहे हैं जिनको अन्य खेल पसंद है, ना क्रिकेट पसंद है ना फुटबॉल। ठीक है, तो फिर कहते हैं कि इनका परसेंट तो मेरे को पता है, अब इनकी संख्या में निकालना है, संख्या में निकालने के लिए क्या किया, क्रिकेट पसंद करते हैं 50 लाख का क्या किया 60% निकाल देंगे, परसेंट निकाल दे, जब भी परसेंट हटता है बटे में 100 आता है, मतलब परसेंट जहां से हटेगा उसके बटे में 100, नीचे से हटेगा तो ऊपर 100 लग जाएगा। ठीक है, जैसे किया 50 × 60 / 100 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 बढ़ गई, 5 × 6 = 30 लाख आ गया, इसी तरह 50 × 30 / 100
दो जीरो से दो जीरो पांच तीन 15 लाख, 50 रुपए 10/100, क्योंकि अन्य खेल कितने जल्दी पसंद करते हैं 10% पसंद करते हैं। लोग निकाले कितने 5 लाख। इसी प्रकार आपकी क्या होगी यहाँ पे 8.1 प्रश्नावली कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपने 8.2 करेंगे।